पेरेंट्स, आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम की जो कि पेरेंट्स अक्सर कंप्लेन करते रहते हैं। वो ये है कि उनका बच्चा जो है वो ठीक से बोल नहीं पा रहा है या उसमें डिलेड स्पीच है। आजकल के इस दौर में जहां मोबाइल टीवी का इतना ज़्यादा प्रचलन है, बच्चा अलग अलग भाषाएँ सुनता रहता है। अपने घर में ही देख लीजिए, हम लोग पंजाबी, हिंदी, इंग्लिश ये सब भाषाएँ बोलते हैं, जिससे बच्चा जो है वो कन्फ्यूज़ हो जाता है। जब बच्चा अपने माता पिता और भाई बहनों को अलग अलग भाषाएं बोलते देखता है और हर भाषा का एक्सेंट भी अलग अलग होता है, तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, वे घबरा जाता है, जिसके मारे वे बोल नहीं पाता। आज के इस वीडियो में हम आपको बच्चे के लैंग्वेज माइलस्टोन्स के बारे में डिटेल में इन्फॉर्मेशन देंगे और ये भी बताएंगे कि कैसे आप घर बैठे ही अपने बच्चे को स्पीच थेरेपी दे सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहेंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि बच्चे की लाइफ में नॉर्मल माइलस्टोन्स होते क्या हैं। एक बच्चे की लाइफ में मोटर, सोशल, कॉग्निटिव एंड लैंग्वेज माइलस्टोन होता है। यहाँ बच्चे की स्पीच के लिए आपको लैंग्वेज माइलस्टोन्स को जानना बहुत ज़रूरी है। 1 से 3 महीने का बच्चा रोता है और आवाज़ें निकालता है। 4 से 6 महीने का बच्चा हंसता है और रोने के दौरान आवाज़ें निकालता है। 6 से 9 महीने का बच्चा अलग अलग आवाज़ों को इमिटेट करता है और एक अक्षर जैसे कि माँ, बा, पा ये सब बोल लेता है। 1 साल का बच्चा मामा, पापा, बाबा ये सब बोल लेता है। 1 से 1.5 साल का बच्चा 2 अक्षर को जोड़कर बोल लेता है और कई बार छोटे सेंटेंस भी बोल लेता है। 2 से 3 साल का बच्चा 4 से 5 वर्ड्स का सेंटेंस बोल लेता है और 3 से 5 साल का बच्चा 2-3 लाइनें आराम से बोल लेता है और 5 साल का बच्चा तो अच्छे से बोलना शुरू कर देता है और कई सारे सवाल भी पूछता है। आजकल के फास्ट लाइफ में उन घरों में जहाँ की न्यूक्लियर फैमिली है या फिर दोनों ही पेरेंट्स वर्किंग हैं, या बच्चा पूरा दिन किसी केयर टेकर के पास रहता है और पेरेंट्स के पास सफिशेंट टाइम नहीं है बच्चे को देने में, ऐसे बच्चों में देखा गया है कि उन्हें बोलने में दिक्कत आती है या फिर डिलेड स्पीच होती है या फिर स्पीच में क्लैरिटी ही नहीं होती। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रीज़न जो है डिलेड स्पीच का, वो है ओवर यूज़ ऑफ मोबाइल। जब बच्चा पूरा दिन अपना मोबाइल पर व्यतीत करेगा और पेरेंट्स के साथ इंटरैक्ट नहीं करेगा, तो भी बच्चे की स्पीच में प्रॉब्लम आ सकती है। लैंग्वेज का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है किसी की भी लाइफ में, चाहे वो पानी का गिलास मांगना ही क्यों ना हो या फिर क्लास में एक पोइम सुनाना ही क्यों ना हो। लैंग्वेज का सही होना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना। इस वीडियो में मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताने जा रही हूँ जिसे आप अपने बच्चे के साथ कर सकते हैं और उसकी स्पीच को अच्छा कर सकते हैं। सबसे पहले आता है सेल्फ टॉकिंग। जितनी देर भी आप बच्चे के साथ रहते हैं उससे ज़्यादा से ज़्यादा बात करिए। अगर बच्चा पूरा दिन मोबाइल या टीवी में बिजी रहेगा और आपसे इंटरेक्ट नहीं करेगा और वो बातें भी नहीं करना चाहेगा, तो आपको ये करना है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा उससे बात करें ताकि वे नए नए वर्ड्स सुने और उन वर्ड्स को बोलने की कोशिश भी करें। नहीं तो वो इशारों ही इशारों में आपसे बातें करता रहेगा और अपनी बात मनवाता रहेगा। सेकेंड इज टॉकिंग विद द किड रिगार्डिंग व्हाट ही इज डूइंग। इसका मतलब है कि आपको अपने बच्चे से जो भी वे कर रहा है उसके बारे में बात करनी है। जैसे कि अगर वो खेल रहा है किसी टॉय के साथ, तो उससे पूछिए टॉय सुंदर है या नहीं, वो कैसी आवाज़ें करता है, वे कैसे चलता है। इससे भी बच्चे को बहुत फ़ायदा होगा। थर्ड इज वॉच एंड से। अपने बच्चे से कुछ क्वेश्चंस पूछिए, देखिए कि वह क्या सोच रहा है, कुछ सेकंड के लिए वेट कीजिए, उसके बाद ही दूसरा क्वेश्चन पूछिए। इससे उसका थॉट प्रोसेस जो है वो डेवलप होएगा और वो नए नए वर्ड्स को अपने दिमाग में सोचने लगेगा। आगे आता है मॉडलिंग। इसमें हमें बच्चे को कुछ चीज़ें बोल के सुनानी है और बच्चे को भी सेम बोलने के लिए कहना है। जैसे कि अगर आपके घर में कोई आया है और आप उसे ग्रीट करते हैं, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू, तो बच्चे को भी बोलने के लिए कहिए गुड मॉर्निंग। इससे वह इमिटेट करना सीखेगा। आगे आता है लेंथनिंग। इसमें बच्चा अगर कोई एक सिंगल वर्ड बोले तो आप उस वर्ड से एक सेंटेंस बना दें। जैसे कि अगर बच्चा बोले खाना खाना है, तो आप बोलिए कि आज बेबी की मम्मा ने बेबी के लिए दाल चावल बनाए हैं। इससे बच्चा वर्ड से सेंटेंस बनाना सीखेगा। अगर आपका बच्चा कुछ पर्टिकुलर शब्दों में अटकता है, जैसे क, ट, स, तो आप उसे ठीक कीजिए और बार बार करेक्ट कीजिए जब तक कि वो सही नहीं बोलता।
उसको सही शब्द बोलने के लिए प्रेरित कीजिए। ये थोड़ा सा मुश्किल है और टाइम कंज्यूमिंग भी है, लेकिन अगर आप अपनी डेली रूटीन में ये करते रहेंगे तो उसकी स्पीच में इम्प्रूवमेंट ज़रूर होगी। आप कार्टून बुक्स या पिक्चर बुक्स की भी मदद ले सकते हैं, लेकिन अगर ये सब करने के बावजूद भी आपके बच्चे की स्पीच जो है वो इम्प्रूव नहीं हो रही है तो डेफिनेटली आपको स्पीच थेरेपिस्ट की मदद लेनी चाहिए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।